नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा का अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा जिले के उनके गृह नगर परसपाल में किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने दी उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में मारे गए कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र का रायगढ़ में किया गया अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने भी यह बात दोहराते हुए कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रसिद्ध कांग्रेस नेता वीसी शुक्ला की हालत चिंताजनक मगर स्थिर। शुक्ला का इलाज कर रहे गुड़गांव के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा उन्हें रखा गया है डायलिसिस पर। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सेना के सीधे इस्तेमाल की संभावना से किया इनकार। कहा माओवादियों से मुकाबले में सुरक्षा बलों को सेना देगी हर तरह का सहयोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक विश्व रंजन ने कहा कि इस क्षेत्र में नेताओं की सुरक्षा में निश्चित तौर पर कुछ कमियां थी। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए इस स्थिति का सावधानी पूर्वक सामना करना होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के 3 दिवसीय दौरे पर हुए रवाना। जाने से पहले अपने वक्तव्य में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को बताया एशिया की शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए उपयोगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 82% छात्र छात्राओं को मिली सफलता। लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पछाड़ा। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक बस के नहर में गिर जाने से कम 21 लोगों की मौत और 23 से ज्यादा लोग घायल। गंभीर रूप से घायल करीब 10 यात्रियों को इलाज के लिए आगरा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आज शेयर बाजार में अच्छी बढ़त। सेंसेक्स 326 अंक चढ़कर 20031 पर हुआ बंद। निफ्टी में 20 अंकों की बढ़ोतरी 6083 पर हुआ बंद। आधुनिक भारत के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने प्रथम प्रधानमंत्री की समाधि शांतिवन जाकर दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। मर्सिडीज चालक जर्मनी के निको रोसबर्ग ने मोनेको ग्रांप्री को अपने नाम किया। रोसबर्ग ने सेबेस्टियन वेटल समेत सभी बाकी दिग्गजों को हर मोड़ पर पीछे रखा और अपने नाम इस बड़ी कामयाबी को दर्ज करवाया।